हाय गाइज, वेलकम टू डे 5। और आज हमारे गोल्ड सुक, यहाँ पर जो है गोल्ड मार्केट होती है पूरा, इसको गोल्ड सुक के नाम से जाना जाता है दुबई में। तो आज हमारे गोल्ड सुक कुछ गोल्ड लेने और बहुत अच्छे डिज़ाइन से, पूरी मार्केट गोल्ड की है, मतलब कि यहाँ पर आपको गोल्ड के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मेनली मार्केट उसी की है, मिल तो जाएगा बट वो नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। ये देखो, मैं आपको ना डिज़ाइन दिखा रही हूँ, ये मुझे बहुत प्रीटी लगी थी। इसमें ना शॉप के अंदर हम गए भी थे, ये बहुत अच्छे डिज़ाइन थे यहाँ पर, बहुत अच्छे। और ये देखो महारानी जैसे हार, इतने लंबे लंबे, आई वाज लाइक भाई मज़ा आ गया। चल अब हम चलते हैं JBR की तरफ। तो हम JBR वॉक करने आ गए थे। यहाँ पर JBR का ये बीच है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो JBR की फुल फॉर्म में जो मेरा बीच रेजिडेंट, तो यहाँ पर हम आए थे। एक हमने सोचा कि वॉक कर लेते हैं, और पता है हमारे होटल से बहुत पास था, तो हम पैदल ही आ गए थे, तो बहुत मज़ा आया था। वैसे तो हमें जाना है अब हमें दाऊ क्रूज पे, तो लेकिन हमने सोचा कि मेरे पास टाइम है तो क्यों ना JBR पर भी एक वॉक लेकर आए। तो अब हम आ गए हैं दाऊ क्रूज पर, और वो जो पीछे आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग्स है, ये देखो मैं जूम करके आपको दिखाई रही हूँ, तो वो वाला हमारा क्रूज था, जो कि था ओशन क्रूज। और ये पता है यहाँ पे सारी यॉट्स थी, मतलब कि पर्सनल यॉट्स थी, या फिर जो भी मतलब कि कम लोग जा रहे थे तो उनके लिए ये यॉट्स भी काम कर गई थी। तो आप पर्सनल भी अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। और ये पूरा JBR ही है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा JBR है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था यार सच्ची। चलिए अब अंदर जाने का टाइम आ गया, और अब हम आ गए हैं क्रूज पर। और इतना बड़ा था, और हम पता है टॉप फ्लोर पर ही बैठे, पता पापा पहले बोल रहे थे कि नीचे बैठते हैं विंडो साइड, मगर नहीं, हम टॉप फ्लोर पर बैठते हैं, क्योंकि यार पता क्या, इतना प्रीटी था ना, इतना प्रीटी, पूरा दुबई दिख रहा था यहाँ से, लाइक लिटरली देखो आपको दिखा रही हूँ ना कि भाई पूरा दुबई दिख रहा, पूरी सिटी लाइट्स दिख रही थी, प्लस वेदर वो सो 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 नाइस, मतलब मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, बहुत ही अच्छा वेदर था, लिटरली जैसा अक्टूबर वाला होता है ना वैसा वेदर था, बहुत ही मस्त वेदर था इसमें। तो आप देखो completed our day 5 and I'm very tired as usual, क्योंकि but I had a great fun। और पता है क्या, जो ना यहाँ पर एक स्कूटर होता है ना, बहुत ही मस्त होता है, और पता है वो हमने आज चलाया उसको, लिटरली हमने मरीना के पास ना उसको चलाया, और कितना मज़ा आया, और इतना मज़ा आया, कॉन्ट इवन डेल यू, हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट फर्थ है, मतलब कि इतना मज़ा आया और इतना मज़ा आया कि क्या बताऊँ। और फिर अब वो कर हम आ गए हैं, अभी मैंने चेंज भी नहीं किया, जैसे कि आप सब लोग देख सकते होंगे, और आपने क्रूज़ का वीडियो देखा होगा, और कितना मस्त व्यू था, आई कंटिन्यू टेल यू। पता है वहाँ पे बहुत सारे शोज़ हुए थे, मैंने तो एक ही शो अपनाया है, उसके बाद बेली डांस भी हुआ था, मतलब और भी पता नहीं क्या क्या शो हुए थे, मैंने तो कुछ देखे भी नहीं थे, मतलब 5-6 शोज़ हुए थे, तो वो भी बहुत अच्छे थे। आपको मतलब अगर आओ ना दुबई तो वो जरूर करना, उसका नाम है दाऊ क्रूज। दाऊ क्रूज में भी बहुत वेराइटीज़ होती है, तो आप खुद चेकआउट कर सकते हो। वैसे तो टोटल एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग, लेट मी टेल यू दिस। तो चलिए गाइस, अब मैं चेंज कर रही हूँ। पता है क्या, वहाँ पर डिनर भी था, मतलब दाऊ क्रूज होता ही वही है, आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा, डिनर मिलता है वहाँ पे, पर डिनर पता है मेरे को ऐसा लग रहा था कि बेकार होगा, अच्छा नहीं होगा, और मुझे तो ना वापस आकर यहीं पर खाना पड़ेगा, बट नो गाइस, द डिनर वो सो 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 अमेजिंग, आई कैंट इवन टेल यू। मतलब कि वहाँ पर ईच एंड एवरी थिंग का, वेज में भी वेराइटी थी, नॉन वेज में भी वेराइटीज थी, ऑल्दो आई एम वेजिटेरियन, तो मैं वेज की बात करूँगी, तो वेज में भी बहुत वैरायटी थी, जबकि दुबई है, मुझे लग रहा था इतना नहीं मिलेगा। जैसे कि ना डेजर्ट सफारी का मैंने आपको बताया था कि वहाँ का फूड बहुत बकवास होता है, बहुत मतलब कि ऑलमोस्ट नॉन वेज ही होता है, वेज में कुछ भी ऑप्शंस नहीं होते, बट यहाँ पर बहुत ऑप्शंस है लिटरली,
तो आप वो कर सकते हो। और मेरे जो क्रूज़ का नाम था वो था ओशन क्रूज़, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो। तो या तो चलिए अब यहीं पर साइन आउट करते हैं, और मेरे को आ रही है बहुत तगड़ी नींद, तो मैं चेंज करके बस सोई जाऊँगी। सो आई विल सी यू टुमारो, सो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग पीपल, सो वेलकम इन दुबई मरीना मॉल एंड डे 6। तो जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे कि मेरे पीछे जो है पूरा मॉल है, ये दुबई मरीना मॉल है एंड इट्स वेरी नाइस। सो लेट्स सी कि हम क्या अपने लिए फिगर आउट करते हैं, क्या मैं कुछ चीज़ें देती हूँ, लेट्स सी। सो आई विल सी यू इन अ बिट। ये देखो ये पूरा दुबई मरीना मॉल की यहाँ से व्यू है, इतना सुंदर है यार। वो थी हमारी क्रूज के न्यू सीट। ओहो दिस वन, अब आ गए हम एक्वेरियम में जो कि दुबई मरीना मॉल में ही है, और ये बहुत प्रिटी था यार, बहुत बड़ा भी है। प्लस ये पता है सेकंड फ्लोर तक है, लेकिन हम सेकंड फ्लोर पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाला ही देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी इसके बाद जाएंगे बुर्ज खलीफा अगेन। बट गाइज ये जो एक्वेरियम में थी ना, ये बहुत तरह तरह की फिशेज थी, बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही सुंदर था एक्वेरियम। स्टार फिशेज भी थी, मतलब कि बिल्कुल कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा था, ऐसा था। क्रिसमस डेकोरेशन भी स्टार्ट हो गया था इस मॉल में, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ। और अब इसी के बाद हम बुर्ज खलीफा के बाद ही, मैं दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करूँगी और यहीं पर मैं साइन आउट कर रही हूँ, क्योंकि आज ही मैं वापस आ रही हूँ इंडिया। सो आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय।